भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। सूत्रों की माने तो वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल आज समर्पण कर सकता है। अमृतपाल दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद सरेंडर कर सकता है। हालांकि सवाल ये भी बना हुआ है कि अमृतपाल सरेंडर करेगा तो कहां और कैसे करेगा, या फिर सरेंडर से पहले उसे गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने घेराबंदी बढ़ा दी है और सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस अमृतपाल को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए अमृतपाल के साथियों से पूछताछ के आधार पर अमृतपाल को खोज रही है। पूछताछ से खुलासे के बाद अमृतपाल उत्तराखंड से सीधा जलंधर आया था और जलंधर से वो फगवाड़ा होते हुए होशियारपुर पहुंचा। होशियारपुर में ही कल पुलिस अमृतपाल के पीछे लगी हुई थी। इस दौरान अमृतपाल ने रावलपिंडी पुलिस स्टेशन से करीब 10 मीटर आगे झाड़ियों में अपने कुछ सामान फेंके हैं, जिसे पंजाब पुलिस ढूंढ रही है। ये चीजें अमृतपाल को पकड़वाने में पुलिस की मददगार साबित हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।